सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जितनी भी हमारी वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर कर देंगे, सब्सक्रिप्शन इसके इंक्रीज कर देंगे और व्यूज अगर आप बढ़ा देते हैं तो मेरा मोटिवेशन हो जाएगा और वही मोटिवेशन आपके लिए ये काम करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूं हेलो एल्किंस, हेलो एनिंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीजीटी एग्जामिनेशन में बहुत मदद करें। इन क्वेश्चंस को करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए और बताइए कि आखिरकार क्वेश्चन का दायरा क्या है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में मिलेंगे, तो प्लीज आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दें, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी कर सके। अगर वीडियोस पर व्यूज बढ़ाएंगे, कमेंट करेंगे, तो हम अगली वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहेंगे और आप तक लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज टॉपिक, ये सब इजी वे में पहुंचते रहेगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस है कैसे। सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि लगातार आपको लेक्चर वाइज, यानी सेकंड लेक्चर है ये, पहले लेक्चर में मैंने कॉमन एमसीक्यूज को कंसिडरेशन किया था, अब मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ। अब मैं कंसिडर क्या करूँगा आपको बताए दे रहा हूँ कि अब मेरा कंसिडरेशन होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको इस सीरीज में मिलते हैं, हेलो एल्किंस, हेलो एरिंस, ये मेरी फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री जो बुक है, इस बुक से मैं क्वेश्चंस को दूंगा आपको। तो आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैटर है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशन इसका ऑलरेडी बनाया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और नंबर आपको इसके पहले पेज पर दिखाई दे रहा है। तो चैप्टर वाइज वॉल्यूम है ये, सबसे पहले मैं लेकर के आया हूँ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने जो मुझे सिलेक्शन किए हैं, क्वेश्चंस आपको एकदम अप टू द मार्क मिलेंगे। यहाँ पर कोई समझौता नहीं किया गया क्वेश्चन की क्वालिटी में, इसलिए आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। जूम करके आपको दिखाऊंगा कि बेस्ट क्वेश्चन क्वालिटी होती क्या है। आज मैं केवल इसी के फर्स्ट पार्ट में हेलो एल्किंस, हेलो एरिंस के में हेलो एल्किन के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो इनके क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस जरूर करिए कि आखिरकार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसिडर करना है, दिस रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट इन, किसमें इसे फास्ट होना चाहिए। तो आपको बताऊंगा कि अगर हम इसके अंदर, यानी पहले तो ये जान लें कि किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, ये SN2 की मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। अगर ये SN2 की मैकेनिज्म को फॉलो करेगी तो मतलब ये हुआ कि हमें ये जो पोलर अप्रोटिक मीडियम, जैसे कि DMSO, ठीक है, और DMS, DMF, ये सब कंपाउंड अगर यूज किए जाते हैं तो फिर मान के चलिए कि हमें पोलर अप्रोटिक मीडियम क्रिएट करना पड़ेगा। वो केवल डीएमएफ एक ही ऑप्शन में दिया है, इसी से क्रिएट हो पाएगा। तो हम समझ लेंगे कि इसका आंसर फिर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये पहला वाला। समझ रहे मेरी बात को नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जो है इसको ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन अच्छे हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी की रेंज का है, द रिएक्शन क्या कह रही है, ये ऐसे कंपाउंड में प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि यहां से NaCl निकलता है, 3 डिग्री का ईथर, मतलब ये ईथर असिमेट्रिक ईथर बन गया है, इसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर पार्टी क्वेश्चन क्वालिटी मिलेगी, क्वेश्चन क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन थर्ड चलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोहैलोजन कंपाउंड व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब कोई भी ऑर्गेनोहैलोजन कंपाउंड, ऑर्गेनोहैलोजन कंपाउंड मतलब RX ले लीजिए, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनोहैलोजन कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो वही है कि RX ले लिया मैंने, इसकी रिएक्शन करा देते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम, यानी कि अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं अल्कोहलिक पोटेशियम
KOH की करा देता हूं, तो फिर आपको पता होना चाहिए ये एल्कीन के फेवर में जाती है रिएक्शन, एल्कीन के फेवर में जाती है, और इसका मतलब ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो आगे कह रहा है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड डज नॉट अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब ये तो सिंपल सी बात हो गई कि वो बता रहा है कि अगर ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं करता है तो फिर कौन सा कंपाउंड होगा जो ऐसी रिएक्शन नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से नियोपेंटाइल क्लोराइड, और नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या होता है, नियोपेंटाइल क्लोराइड ये वाला कंपाउंड होता है जो ये CH3 लीजिए, यहां पर भी आप CH3 लीजिए और यहां पर भी CH3 लीजिए, ये नियोपेंटाइल अब क्लोराइड की बात कह रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड अगर बनाना है तो ये 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब यहां पर नियोपेंटाइल क्लोराइड हम ये ले लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड लेंगे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यहां से एक कहीं से भी आप एक एच निकाल दीजिएगा और आपका ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोहैलोजन कंपाउंड व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट अंडरगो द डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, यानी HCl यहाँ से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, और डायरेक्ट कंपाउंड हमारा बन जाएगा। तो ऐसे केवल नियोपेंटाइल क्लोराइड ही ऐसी हरकत कर सकते हैं, और यही जो होते हैं जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन शो नहीं करते। तो यहाँ लिख दो डोंट शो, यहाँ लिख देता हूँ डोंट शो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले आइए। द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड इन द वुड्स रिएक्शन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द नियोपेंटाइल ब्रोमाइड एंड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड इन द वुड्स रिएक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड एंड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये मैंने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लिख लिया है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड को मैं इधर लिख ले रहा हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन सोडियम भैया से करा देता हूँ, तो यहाँ से 2NaBr निकाल दीजिए, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। नाम मैच करेंगे, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा था मुझे, मैंने इसको चेक किया और उसके हिसाब से अब आंसर को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, पहले तो ये बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्सेन तो ये तय है, 1 2 2 2 3 4 5, 2 2 5 आना चाहिए, तो 2 2 5 का ऑप्शन यही, 2 2 5 हो गया, ट्राई मिथाइल हो गया, हेक्सेन यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन, इसमें फिफ्थ वाला ऑप्शन सही है, तो फिफ्थ वाला ऑप्शन एक ये दे रखा है, चलिए ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, और भी ऑप्शन क्या दे रखा है, चौथा वाला ऑप्शन भी इसमें सही दे रखा है, चौथा वाला ऑप्शन क्या है, 2.5 डाई मिथाइल हेक्सेन कैसे हो जाएगा, संभावना नहीं है, यानी कि आप कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं ये संभावना दे रहा है। तो अगर मिक्सचर कराएंगे तो एक तो यही आपस में रिएक्शन, एक ये हो जाएगी, फिर इन दोनों की सेल्फ हो जाएगी, इसकी भी सेल्फ निकाल लीजिए, सभी की सेल्फ रिएक्शन करा दीजिए, सभी की जब सेल्फ कराओगे तो एक तो ये आएगा, एक प्रोडक्ट आपका ये वाला आ जाएगा, और एक प्रोडक्ट फिर आपका मेरे हिसाब से ये वाला भी आ जाना चाहिए। तो पहले इसका सेल्फ कराना, फिर इसका सेल्फ कराना, फिर इन दोनों का, तो टोटल 3 प्रोडक्ट आपको मिलने चाहिए, मिक्सचर मिलना चाहिए, तो वही मिक्सचर ये दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वही मिक्सचर में आंसर नंबर बी हमारा ऑप्शन सेट होना चाहिए। फिर भी आप एक बार चेक करिएगा, पहले क्या करना, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की आपस में करा लेना, फिर नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड की आपस, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की आपस में करा लेना, फिर इसके बाद क्या करना, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की आपस में कराना, 3 स्टेप में रिएक्शन जाएगी इसलिए मिक्सचर मिलेगा, तो आंसर नंबर बी मेरे हिसाब से सेट हो जाना चाहिए। आंसर नंबर बी को आप मान लीजिए, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि सर ये सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। फिलहाल आप एक बार जवाब जरूर दीजिएगा कि सर ऑप्शन सही है या गलत है, पता नहीं, लेकिन हाँ कोशिश मेरी यही कि आंसर नंबर यही सेट होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जरा पेज आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है हमारे पास में, एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको मजा जरूर आएगा, 100% इन क्वेश्चंस का फायदा आपको मिलेगा। ये साफ रिएक्शन मुझे समझा रही है, बिल्कुल रिएक्शन मुझे समझा रही है। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट होना क्या चाहिए,
तो बी आर निकाल दीजिए। तो जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो ग्रिगनार्ड रेजेंट तैयार है, बिल्कुल पहला प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। और ए जो होगा वो ग्रिगनार्ड रेजेंट यानी कि ए जो होगा वो ये वाला कंपाउंड होगा, 100% ये बनेगा। अब जब ये बन गया है तो इस रिएक्शन में जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, फिर उसको आपको क्या करना है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे। तो जब भी ग्रिगनार्ड रेजेंट वाटर से रिएक्शन करता है तो फिर एल्केन बनते हैं और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बनेगा, मतलब ये बनेगा, सिंपल सी बात है, इसमें एच इधर चला जाएगा, ओ एच इधर चला जाएगा, तो ये कंपाउंड हमारे सामने साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा और साथ में कंपाउंड मिलेगा Mg, और यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पर आपका Br आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है अनुसर के पास, इसीलिए अनुसर आपको जब भी वीडियो देंगे तो एक से एक बेटर क्वेश्चंस के साथ में देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चले जाइए। 6 क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो फॉर्म, क्लोरो इथेन, डाई ब्रोमो मीथेन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की खास बात देख लीजिए कि जितना ज्यादा भाई बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर मास इंक्रीज करने के साथ बढ़ेगा, जितना ज्यादा मॉलिकुलर मास होगा, तो ब्रोमो मीथेन में Br3CH हो गया, तो वैसे ही Br3 लगे तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है यही हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन कम करो यानी कि CH2Br2 का कर दो, यानी ब्रोमो फॉर्म ये हो गया, ब्रोमो फॉर्म, ब्रोमो मीथेन नहीं, ट्राई ब्रोमो फॉर्म, ब्रोमो फॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म वैसे ही ब्रोमो फॉर्म हुआ। फिर इसका मतलब अब ब्रोमो फॉर्म हो गया ये वाला, सेकंड वाला यानी कि फिर वो ब्रोमो मीथेन नहीं होगा, ये वाला सबसे ज्यादा होगा, सेकंड वाला सबसे ज्यादा ये वाला ऑप्शन दे रखा है। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं, डाई ब्रोमो मीथेन, तो यानी कि CH2Br2 कर दो, ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड भी मैच कर गया, तो फिर आंसर यही होगा। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, हायर इज द मॉलिकुलर मास, यानी कि मॉलिकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, ये कंसेप्ट लगा करके आंसर निकाल। सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखिएगा कि सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ वाले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया और आपका ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन देख करके। आइडेंटिफाई द डी, डी को आइडेंटिफाई करना है, ये वाला कंपाउंड यानी कि सबसे पहले ये लिया एल्कोहलिक क्यों से, जैसे ही आप इसके रिएक्शन कराओ तो पहले तो ये जान लो कि डबल बॉन्ड यहीं पर आ सकता है, वाटर निकल जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये कंपाउंड जो पहला बनना चाहिए वो कंपाउंड मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए। अनुसर को केमिस्ट्री नहीं आती है, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करता हूं कि आपके जहन में उतार दूं वो केमिस्ट्री जिसकी बदौलत आप PGT उतार पाए, PGT को पछाड़ दें, वो केमिस्ट्री आपके जहन में उतारने की 100% कोशिश अनुसर करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया, यहीं पर डबल बॉन्ड आएगा, देखिए चेक करिए, 1 2 3 4, टोटल 1 2 3 4 सेट है बिल्कुल एल्कोहलिक। अब इसको क्या किया इन्होंने, H2SO4 डाला है, और जैसे ही H2SO4 डाला है आप जानते हैं जब H2SO4 डालेंगे तो आप सिंपल सा इसको क्या कर लेंगे, आपको यहाँ से फिर इन्होंने वाटर से हाइड्रोलाइज भी करा दिया, H2SO4 डाला और H2SO4 डालने के बाद वाटर भी डाल दिया, तो एल्कोहल बनना बिल्कुल तय है। तो एक तो एल्कोहल बना दिया, एक एल्कोहल बना दीजिए, ठीक है ना, और साथ में सेकंड स्टेप में एक माइनर प्रोडक्ट भी बनाना, बाद में अचाई से रिएक्शन करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बना लेते हैं ये बी वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से OH कहाँ लगना चाहिए, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो, मार्कोनी का ऑफ रूल लग ही जाता है, तो यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ CH3, ये कंपाउंड अब आपके सामने हाजिर है, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने क्या काम किया, ये बी मिल गया और एक साथ में माइनर प्रोडक्ट क्या मिला होगा वो तो आपको पता ही मिल गया होगा, छोड़िए उसको माइनर प्रोडक्ट को, ये मेजर प्रोडक्ट अभी मैं काउंट कर रहा हूँ, मेजर फिलहाल मेरे हिसाब से यही होगा। और अगर मैं माइनर की बात करता हूँ तो माइनर में भी कंडीशन अभी देखूंगा। अब क्या करना है, इसको साथ में हीट भी कर दिया, जैसे ही आपने हीट कर दिया H2SO4 के बाद, मतलब हीट किया फिर वाटर डाल दिया, तो H2SO4 के बाद हीट करोगे डबल बॉन्ड, फिर इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन ये बन सकती है अगर हीट कर दें आप, तो फिर ये कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। देखो क्वेश्चन की लय बदल गई, CH CH3, ये प्रोडक्ट आपको मिलने की संभावना, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है, ये मेजर बना दिया मैंने, माइनर को जाने दो। अब हम लोग इसी कंपाउंड को
जो हमें बी मिला है इसी कंपाउंड को एच आई डाल करके हीट कर देते हैं। जैसे एच आई डाल के हीट करोगे तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करने के बाद जो है वो आई यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मतलब आयोडो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका आ गया सी एच थ्री के मतलब यहाँ पर आई आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आई आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा सी एच टू और यहाँ पर आ जाएगा सी एच थ्री। तो 1 2 3 4 5 यानी प्रोडक्ट अब मैच करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या पूछा है, आंसर क्या कह रहा है कि द आइडेंटिफाई डी को आइडेंटिफाई करना है यानी फाइनल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे हिसाब से फिर क्या होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए ये वाला, यानी कि कहने का तात्पर्य बी ऑप्शन आना चाहिए। चेक एक बार आप लोग भी करिएगा, है ना, जो क्वेश्चंस कराऊं उसको चेक जरूर करिए। कारण ये होता है कि हम भी सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल एट द पॉइंट सॉल्व करते हैं और हमारी हैबिट में है ये कि हम ये नहीं कि पहले सॉल्व करके लेके बैठे हैं। अब आप कहोगे वो टीचर अच्छे होते पहले ही पूरा रेट बोले साहब पूरे वो सॉल्व करके, टाइम बच जाता है। अरे तो डिस्कशन करने का मतलब क्या, पहले करके तो दुनिया कर लेगी, सामने करो ना तब है तारीफ, क्लास में जाकर के पढ़ाओ, है ना, पहले क्या मतलब है। आठ क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन बनवाए मैंने तुरंत सॉल्व करता हूँ, SN2 मैकेनिज्म फॉर द एल्काइलाइड, कौन सा SN1 SN2 के लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको बताऊं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट इन एन एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज द, तो ये तो स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट लग रहा है, मुझे ए वाला करेक्ट है। कंपीटिंग द रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट, यानी कि अगर कंपीट करते हैं रिएक्शन कौन सी ज्यादा बेटर हो जाएगी, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं SN1 SN2 दोनों की कंडीशन को देखूं तो SN2 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो होती है वो होती है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जबकि SN1 रिएक्शन रीअरेंज हो जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये है, रीअरेंजमेंट यहां नहीं होता है, रीअरेंजमेंट SN1 में होता है, टर्शरी वाले। नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में आती है, ये रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, NaI एसीटोन की प्रेजेंस में इसको हम लोग गर्म करते हैं। चलिए, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले CN आ जाएगा तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आपका CH3CN आ जाएगा। चलिए, और यहाँ पर आपका जब CH3 हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में ये बन जाएगा, इसका रिडक्शन करा दो, एल्कोहल बन जाएगा, CH3CHO पहले बनता है फिर एल्कोहल बन जाता है। तो अगर एल्कोहल तो यहाँ दिया हुआ इथाइल एल्कोहल, तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन नंबर अच्छा 10 छूट गया, 11 सीधा आ गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि अगर रिडक्शन LiLH4 में कराओ तो फाइनल प्रोडक्ट भाई एसिटल्डिहाइड भी दिया, एल्कोहल भी दिया है, तो आपको बोले ही दे रहा हूं, मैंने बोला भी था ये कंपाउंड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एल्कोहल ही मेन प्रोडक्ट माना जाता है, ये कंट्रोल नहीं होती है, मतलब फाइनल जाकर के एल्कोहल पर ही रुकती है ये रिएक्शन, ये चीज भी आपको ध्यान देनी चाहिए। अब हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया है उसको, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलाइड इज यूज्ड एज ए मिथाइलेटिंग एजेंट, कौन सा मिथाइलेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो आपको बताओ CH3Cl जो होता है इट इज यूज्ड एज ए मिथाइलेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है, और क्यों होता है, क्योंकि इसकी खास बात यह होती है कि इसमें मिथाइल ग्रुप होता है उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो मिथाइल ग्रुप केवल यही दिख रहा है जो इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए मिथाइलेटिंग एजेंट हुआ ना, जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करना चाहे, जो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर सकता हो। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 11 हो गया। 12वां क्वेश्चन देखिए, 13 14 देखिए, इन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए टर्शरी हैलाइड बाय द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एल्कली इफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इज डबल्ड देन द रिएक्शन इज, तो क्या हो जाना चाहिए। तो आपको जानकारी दे दूं कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब होती है तो एक्वस एल्कली आप डालते हैं, अगर कंसंट्रेटेड डालोगे तो एल्कली कैसे ज्यादा डालना पड़ेगा, तो जैसे ही ज्यादा डालना पड़ेगा तो रिएक्शन का रेट लगभग और लगभग कांस्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से बी आना चाहिए। फिर सुन लीजिए एक बात, जो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस टर्शरी एल्काइल हैलाइड की होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं डाला, पानी डाला, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड एल्कली लेते तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। तो लेकिन क्या होगा कि जैसे सॉरी रिएक्शन का कंसंट्रेशन डबल हो जाता है और रेट जो होता है वो लगभग कांस्टेंट हो जाती है। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड में खास बात ये होती है कि एक्वस मीडियम में SN1 जाएंगे और अगर हम कंसंट्रेट कर देंगे तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना शुरू कर देंगे, इसलिए इस बात का भी ध्यान देना। 13वां क्वेश्चन, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद ड्राई Ag2O, यार ये तो रिएक्शन बहुत फेमस है, इस रिएक्शन को अगर आप चाहेंगे तो Ag2O जब गर्म करते हैं तो ईथर बनता है, ईथर पता होगा,
14 क्वेश्चन को देखिएगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट एल्कोहल में करना है तो सबसे अच्छा इसमें रिएजेंट मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कौन सी रिएक्शन को इन्वॉल्व करे, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है जहां पर SN1 SN2 कैटेगरी आती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया था। वीडियो छोटी जरूर होगी लेकिन क्वेश्चन में ताकत भी होगी, ये भी तय है। क्वेश्चन कोई भी लेकर के आऊंगा 100% क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब आपने कंपाउंड एन एल्काइल हैलाइड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H13Br ले लिया। अब C6H13Br लिया, उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराया, उसने आइसोमर एक एल्कीन बनाया और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 था, और उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा तो एक्स और वाई मिला हमारे, तो ये पकड़ जाएगा यहीं पर से ही। यहाँ पर आपने कंपाउंड लिया है CH3, नोटिस करिए CH3 CO और CH3, एक तो एसीटोन बना है, एसीटोन बना और साथ में दूसरा क्या बना है, CH3 CHO बना है। एक्स वाई गेव 4 कंपाउंड, एक तो ये मिला और दूसरा क्या मिलता है वो भी नोटिस, ये नोटिस करने पड़ेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो आंसर नहीं मैच करेगा। एक आपका ये मिल गया CH3 मिल गया, CO मिल गया और ये वाला कंपाउंड मिला, एक कंपाउंड आपका ये भी मिला यानी कि CH3 CH2 CHO मिला, और एक कंपाउंड आपको ये भी मिला CH3 CH, ध्यान दीजिएगा क्या करता हूँ मैं, CH3 CH फिर यहाँ पर CH3 और फिर यहाँ पर CHO, इतने कंपाउंड आपको मिल गए। तो इतने कंपाउंड आपको तभी मिल सकते हैं जब ये सब ग्रुप इस तरीके से एडजस्ट हो जाए, डबल बॉन्ड इस तरीके से एडजस्ट हो जाए कि हम लोग उस कंपाउंड को कैसे बनाए। तो अगर मैं देखता हूँ तो प्रोडक्ट मेरे पास में यहाँ पर दिया है 2-bromohexane ले ले, 2-bromohexane ले ले, नहीं बनेगा। हमें पहली बात तो ये कि ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें ग्रुप 2 मिथाइल ग्रुप लगे होने चाहिए, 2 मिथाइल केवल इसी में लगे हैं बाकी कहीं नहीं लगे। इसको चेक कर लेता हूँ, 1-bromobutane, यानी कि पहले तो मैं देखूँ कि दे रखा है 2-2-dimethyl एल्काइल हैलाइड हमें लेना चाहिए, 2-2-dimethyl अगर मैं लेता हूँ तो बनेगा नहीं, मुझे लगता है पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे भी नहीं बनेगा, हटाइए, 2-2 पोजिशन पे आ गया ना। 4-bromo-2-methylpentane जरा चेक करते हैं एक बार, 4-bromo-2-methylpentane, तो पहले मैं मिथाइल ले लेता हूँ पोजीशन पर और यहाँ पर CH, और ये हो गया आपका 3 पे ब्रोमो लगा दिया मैंने, 2-methyl-3-bromo, 2-4-bromo-2-methyl, 2-methyl हो गया, 4 पे ब्रोमो लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसे लेता हूँ तब भी नहीं काम चल रहा है, तो अगर मैं इसे ले लेता हूँ तो प्रोडक्ट मुझे नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हुआ कि फिर ये आंसर भी गलत हो जाएगा। इसको देखो, ई वाले को देखो, चलो इससे भी नहीं बनेगा, हटाओ इसे मिटाओ। मैं तो भाई तुरंत आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसलिए मुझे डर नहीं लगता कि आप क्या कहेंगे मेरे बारे में, जो भी कहें, लेकिन क्वेश्चन में तुरंत सॉल्व करने में ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ क्वेश्चन बनवाने के बाद, है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 3 बार लेता हूँ, तो देखिए CH3 CH, ये 2 पे आ गया आपका मिथाइल, 3 पे कर देता हूँ ब्रोमो, बनाता हूँ ना प्रोडक्ट, 2-bromo-3-bromo-2-methyl और पेंटेन, तो ये हो गया अब आपका पेंटेन। चलिए इसको मैं एल्कोहलिक, इसका मॉलिकुलर फार्मूला C6H13Br है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 13, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है Br, बिल्कुल सही है। अब इसको हमने क्या काम करा, इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराया, मतलब एल्कोहलिक KOH डाल दिया। जैसे ही एल्कोहलिक KOH डाला हमें 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है और दूसरा डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, दोनों बना करके देख लेते हैं। एक जो डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा वो कैसा होगा वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये प्रोडक्ट बन सकता है CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ पर आपका CH2 CH3, एक तो ये मिलना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है प्रोडक्ट, ये हो सकता है CH3 CH3, यहाँ CH लगा दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब यहाँ पर लगा सकते हो डबल, ये वाली कंडीशन पे आ गया, तो एक तो प्रोडक्ट ये मिलने के चांस भी लग रहे हैं। इसको जब करेंगे तो इसका मतलब हम अपने आंसर तक पहुंच गए, यानी आंसर फिर लगभग तो यही फाइनल हो गया। आप क्या करिएगा, इनका अब आप ओजोनोलिसिस करा लीजिए, तो जैसे यहाँ से तोड़ोगे तो ओ, तो मतलब एसीटोन भी बन रहा था, देखो बना एसीटोन, इधर भी वाला ये बना प्रोपेनॉल्डिहाइड, इसको तोड़ोगे यहाँ से
तो ये वाला प्रोडक्ट आपका पॉसिबल हो रहा है, देखिए दिख रहा है, तो इसका मतलब फिर आंसर मेरा यही सही है, ई वाला ऑप्शन इसमें मैं सही कर लेता हूँ, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम दमदार मिलेंगे, मेहनत करवाएंगे आपसे, टाइम खाएंगे, क्वेश्चन सरल भरे हों। तो 16 पर चले आइए, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन कराई तो ग्रेनाड भैया बनेंगे, जब HCl से कराओगे तो पता होना चाहिए साइक्लोहेक्साइल क्लोरोहेक्सेन बन जाएगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोरोहेक्सेन, यानी 16 वाला अगर आप चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ। ये आप साइक्लोहेक्सेन और उसके साथ MG लगा दीजिए, BR लगा दीजिए, और उसके बाद जब इसे MG से रिएक्शन कराओगे, सॉरी ये अंदर वाला रिंग नहीं है, यानी कि बेंजीन हटा, बेंजीन नहीं है, केवल साइक्लोहेक्सेन है, तो केवल साइक्लोहेक्सेन को हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ कंपाउंड आ जाएगा ये वाला, ये आ गया MgBr आ गया, ठीक है ना। इसको आप HCl से करा सकते हो, जैसे इसकी रिएक्शन HCl से कराओगे तो MgCl अलग निकल जाएगा, Br भी आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट केवल साइक्लोहेक्सेन हमें मिलेगा, तो ये हमने साइक्लोहेक्सेन बना लिया, C6H12 जो बनता है। तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब हुआ कि 16 का जो आंसर है फिर बी होना चाहिए, ये वाला प्रकार नहीं होगा, यही आंसर आगा, ये वाला आंसर, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देख लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू ओवर द हाइड्रोलिसिस, ट्रू फॉर द हाइड्रोलिसिस, कौन सा इसमें हाइड्रोलिसिस के लिए ट्रू नहीं है। तो आपको जानकारी दे दूं कि जो रिएक्शन का जो रेट होता है, मैंने अभी बताया था कि रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इज डबल्ड, तो यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस के लिए ट्रू नहीं माना जाता है। 17 का जो मेरे हिसाब से सी है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस टर्ट ब्यूटाइल की जो होती है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इसका मतलब रेट जो होता है वो हमेशा एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो फिर टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड विद एक्वस NaOH में फिर आंसर ये नहीं हो सकता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, 18वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द CN रिप्लेसेस Cl, तो किस कैटेगरी में आती है रिएक्शन, तो जो 18वां है इसका जवाब मेरे हिसाब से क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द सीएन ग्रुप रिप्लेस टू ऑब्टेन प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल अगर आपको लेना है तो अरे यार, तो इसमें सिंपल सी बात है, प्रोपेन नाइट्राइल अगर आपको लेना है तो C2H5 होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ C2H5 का मतलब वह क्लोरोइथेन होना चाहिए, ये क्लोरोइथेन होना चाहिए, और क्लोरोइथेन फिर ए ऑप्शन है। व्हेन इथाइल आयोडाइड इज हीटेड विद ड्राई, अरे यार इसमें कौन सी दिक्कत है भाई, इसमें सिंपल सी बात है, डाइथाइल ईथर बनेगा, डाइथाइल ईथर बनेगा, मतलब बी ऑप्शन लगा लीजिए। और अगर 20वां देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द SN2 मैकेनिज्म, कौन सा SN2 मैकेनिज्म पे चलेगा, तो मेरे हिसाब से SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी चलेगा, यही मेन प्राइमरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिनाइल ग्रुप, ये टर्सरी हो नहीं सकता, ये एलाइल ग्रुप है ये भी पॉसिबल नहीं है, ये वैसे ही फिनाइल ग्रुप, तो ये भी पॉसिबल नहीं, आंसर बी ही होगा 20 का। 21वां और लास्ट क्वेश्चन देखिए, धमाकेदार टेस्ट सीरीज चल रही है, अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करिए और अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करिए। इसमें क्या है कि ये रिएक्शन साफ दिख रही है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में चली जाती है, तो बी ऑप्शन है, क्योंकि एल्कीन एलिमिनेशन में ही बनते हैं। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन की सीरीज लगाई है, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, और अगर पूरी टेस्ट सीरीज चलवाना चाहते हैं, सर को प्रमोट करिए, सर का चैनल प्रमोट करिए, इसको सब्सक्राइब बढ़ाइए, इसके टेलीग्राम ग्रुप पर जितने भी लोग हैं अगर वो चाहते हैं कि उनको PDF मिलती रहे और लगातार टेलीग्राम ग्रुप पर PDF डालता रहूंगा, तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है, वहीं से PDF डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पर व्यूज और कमेंट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, व्यूज दीजिए, वीडियोस पर व्यूज बढ़ाइए, और तीसरा है कमेंट बढ़ाइए, कमेंट में आप अपना जो विचार हो, जो आइडिया हो, किसी क्वेश्चन पर कोई डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, कोई क्वेश्चन राइट है, इन सब बातों पर भी डिस्कशन करिए, तो हमें अच्छा लगेगा। तो कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताइएगा, और क्या चाहते हैं कि आप ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहे, तो प्लीज इनबॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दीजिएगा।